हे गाइस, ओहो वीडियो आ गई। इतनी जल्दी क्या थी बेटा? अरे जा बेटा तू जा, हम तो सब्सक्राइब करके फालतू में बैठे हैं, दो तीन महीने बाद डालना। ओके व्हाट द फक एंड हिज नेम इज जॉन सी। आई नो वीडियो कभी कभी लेट हो जाती है, पर ये जल्दी आई है ना। और अब बकवास खत्म करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है फीवर ग्रास में। और आज के इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ है सुपर एक्सप्लेन्ड। और आज हम साथ मिलके क्रेटोस के टॉप 10 वेपन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेटोस ने अपनी जर्नी में बहुत ही ज्यादा वेपन्स को यूज किया है, इन्हीं वेपन से वो अनगिनत बॉसेस को मार पाया है। और यहाँ तक कि जिन बॉसेस को ये मारता है उनके वेपन्स को भी अपने नाम कर लेता है। इसी वजह से क्रेटोस के पास बहुत ही ज्यादा वैरायटी में वेपन्स अवेलेबल है। और इन्हीं वेपन्स में से हम सिलेक्टेड वेपन्स को चूज करेंगे और आपको बताएंगे टॉप 10 वेपन्स। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? तो यार सबसे पहले मैं फीवर भाई को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे साथ कोलैब किया। तो यार आज की वीडियो में हम आपको गोड अवार्ड के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन यार ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो टू पार्ट्स में आने वाली है। फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा फीवर भाई के चैनल पर और सेकंड पार्ट आपको मिलेगा मेरे चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक बार मेरे चैनल पर जाओ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे हिसाब से आप सब समझ गए होंगे। तो यार अब बिना किसी और बकवास के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्लेड ऑफ आर्टेमिस। ब्लेड ऑफ आर्टेमिस एक क्लासिक वेपन है क्लासिक गेम गॉड फॉर 1 से। गॉड फॉर 1 और गॉड फॉर 2 मैंने बहुत ही पहले खेला था, और उस टाइम पे मुझे ब्लेड ऑफ आर्टेमिस ब्लेड ऑफ ओलंपस का पुराना वर्जन लगता था, जो बाद में गलत निकला ऑब्वियसली। लेकिन देखा जाए तो ब्लेड ऑफ आर्टेमिस बहुत ही कमाल का वेपन था और क्रेटोस की पहली तलवार थी, मतलब उसका पहला तलवार टाइप वेपन था। लेकिन देखा जाए तो ब्लेड ऑफ आर्टेमिस बहुत ही कमाल का वेपन था, जिसे यूज करने में हमें काफी मजा आया। ग्रीक के गॉडेस ऑफ द हंट ने क्रेटोस को ये ब्लेड दिया था एंड उसी गॉडेस का नाम आर्टेमिस था। उसने इस वेपन को यूज किया था टाइटन्स को डिफीट करने में। जब गेम में क्राउडेड एनिमीज क्रेटोस को घेर लेते हैं, वही सही वक्त होता है इस वेपन को यूज करने का। लेकिन इस वेपन की कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि ये बहुत ही स्लो था और अपग्रेड करने पे इसके मूव्स ज्यादा चेंज भी नहीं होते थे। और शायद यही वजह है कि क्रेटोस बाबा ने इसे यूज करना छोड़ दिया, क्योंकि गॉड फॉर 1 के बाद तो ये हमें कभी देखने को नहीं मिला। नंबर 9, स्पेयर ऑफ डेस्टिनी। तो नंबर 9 पे हमने स्पेयर ऑफ डेस्टिनी को रखा है। तो यार आपको पता होगा कि ये वेपन हमें दिखाई दिया था गॉड ऑफ 2 में, और ये वेपन क्रेटोस ग्रिफन राइडर से लेता है। तो स्पेयर ऑफ डेस्टिनी एक भाला जैसा दिखने वाला वेपन है, जिसके दोनों तरफ पर्पल क्रिस्टल लगे हुए हैं। और अगर बात करें इस वेपन की एबिलिटी की, तो इस वेपन की हेल्प से आप क्रिस्टल शार्ट शूट कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप मैजिकल बॉम्ब क्रिएट कर सकते हो और उसे कहीं भी रख सकते हो, और वो कुछ देर बाद खुद ही फट जाएगा। और यार ये वेपन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आप इस वेपन का यूज आगे और पीछे दोनों से कर सकते हो, और ये वेपन भी पावरफुल वेपन में से एक है, इसलिए यार हमने इसको नंबर 9 पर रखा है। तो यार अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, नेमेसिस व्हिप। नंबर 8 पे नेमेसिस व्हिप है। नेमेसिस व्हिप गॉड फॉर 3 का वेपन है। गॉड फॉर 3 में ये कैसा वेपन था जिसके मदद से क्रेटोस ज्यूस को हरा सकता है, लेकिन क्रेटोस को ये वेपन इतने आसानी से नहीं मिला था। हिफिस्टस जिसने इस वेपन को बनाया था, उसने क्रेटोस को एक स्टोन लाने के लिए भेजा था, और उसी स्टोन को पाने के लिए क्रेटोस को क्रोनोस से बैटल करना पड़ा था और फिर उसे मारना भी पड़ा था, तब जाके क्रेटोस को ये वेपन मिला था। इस वेपन के मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जो सीधे ज्यूस को टक्कर देती है, क्योंकि ज्यूस खुद भी एक गॉड ऑफ थंडर है, और उस वक्त क्रेटोस का पंगा ज्यूस से ही चल रहा था, तो उसको इस वेपन की जरूरत भी थी। इस वेपन की एक और खास बात यह है कि जब आप इससे किसी एनिमी को मारते थे तो हमें ढेर सारा ऑब्स मिल जाता था, और इन्हीं ऑब्स के मदद से हम वेपन्स को अपग्रेड कर पाते हैं। इस वेपन के मूवमेंट्स बिल्कुल ही ब्लेड्स ऑफ एक्साइल की तरह हैं, और ये उनसे फास्टर भी है, बस थोड़ी सी वीकर है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही कमाल का वेपन है। नंबर 7, क्लो ऑफ हेडिस। तो क्लो ऑफ हेडिस के बारे में यार कौन नहीं जानता। क्लो ऑफ हेडिस क्रेटोस को मिला था हेडिस को मारने के बाद, और सच में यार ये वेपन देखने में बहुत ज्यादा मस्त लगता है। ये क्लो चेन से जुड़े होते हैं और पर्पल ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं, जो कि देखने में बहुत गजब लगता है। और हाँ, ये वेपन पावरफुल वेपन में से एक है, क्योंकि इस वेपन की हेल्प से हम किसी की भी सोल को ले सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इस क्लो की मदद से अंडरवर्ल्ड सोल को समन कर सकते हैं। और ये वेपन जितने ज़्यादा सोल को समन करेगा, इसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, मतलब कि इसकी अटैकिंग पावर और स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और यार ये वेपन किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये वेपन मुझे देखने में बहुत मस्त लगता है। तो इसी रीज़न की वजह से हमने इसको नंबर 7 पर रखा है, क्योंकि ये वेपन यार पावरफुल वेपन में से एक है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, ब्लेड ऑफ ओलंपस। ये बहुत ही पावरफुल वेपन है जिसे ज्यूस ने बनाया था।
और फिर क्रेटोस को अपनी जाल में फंसाने के लिए ज्यूस ने इस ब्लेड को क्रेटोस को दे दिया था गॉड ऑफ वॉर 2 में। आई ऑफर यू मोर देन हेल्प क्रेटोस, आई ऑफर यू पावर, आई ऑफर यू द ब्लेड ऑफ ओलिंपस। और यही वो वेपन है जिसके मदद से ज्यूस ने पहली ग्रेट टाइटन वॉर को जीता था। It was this blade that ended the great war and defeated the Titans. Drain your godly powers into the sword, Kratos. ये definitely one of the most powerful weapon है जिसे Kratos ने use किया है। इस weapon के मदद से हम gods को भी बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। Blade of Olympus के मदद से Kratos ने अब तक Colossus of Rhodes, Athena, Perseus, Kronos, गाया और ज्यूस को मारा है। और इस वेपन के मदद से हम ब्लास्ट ऑफ एनर्जी को भी रिलीज कर सकते हैं जैसे गॉड फॉर 2 में ज्यूस ने किया था क्रेटोस की आर्मी को एक ही झटके में खत्म करने के लिए। और इसी से हमें ब्लेड ऑफ ओलिंपस के पावर का पता चलता है कि ये कितनी खतरनाक वेपन है। सो वीडियो के इस पार्ट में इतनी ही वेपन्स है, बाकी की वेपन्स हम अपने पार्ट 2 में बताएंगे जो सुपर एक्सप्लेन के चैनल पे अपलोड होगी। सो अभी ही जाके सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, वीडियो कभी भी आ सकती है। तो गाइस होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि पार्ट 2 तो उसमें आने वाला है। और हाँ यार, अगर आपने फीवर भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये बहुत गजब की वीडियो बनाते हैं। और यार अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things.